हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लैक छोले विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक ड्राई छोले बिल्कुल। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है, हमने 2 चम्मच ऑयल डाला है। अब हमने पहले ही अपने बॉयल छोले करके रख रखे थे, तो इसमें मैंने अराउंड 250 ग्राम्स छोले हैं ये मेरे, तो मैंने इसको बॉयल कर रखे थे पहले और मैंने फिर इसको ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, 1 चम्मच सूखा मसाला। अब हम डालेंगे लाल मिर्च आधा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लाल मिर्च और नमक। और हमने नमक इसमें थोड़ा सा पहले ही ऐड ऑन कर रखा था, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कम डाला है। और ये अब हम डाल रहे हैं आधा चम्मच जीरा। आप चाहो तो 1 चम्मच भी जीरा डाल सकते हैं, जीरे से थोड़ा टेस्ट इन्हांस होता है और जीरा काफ़ी अच्छा लगता है, और ड्राई छोलों में तो स्पेशली। सो प्लीज़ ये मैं रिकमेंड करती हूँ सबको कि पिसा हुआ जीरा ज़रूर डालें। और ये थोड़ा सा चुटकी भर हमने डाला है काला नमक, काला नमक ज़रूर डालें, काला नमक से भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इंग्रेडिएंट्स को सबको। फिर अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे बॉईल करते रहेंगे कि जिससे कि हमारे छोले अच्छे से ब्लैक हो जाए और वाटर ऑब्जर्व हो जाए। अब मैं ये 10 मिनट बाद चेक कर रही हूँ, देखो छोले थोड़े से ब्लैक होना शुरू हो चुके हैं। अभी हमने तब तक इसको पकाना है जब तक ये पूरे ब्लैक ना हो जाए। देखो वाटर तो इसका ऑलरेडी ब्लैक हो चुका है, और थोड़ी देर में और छोले ब्लैक हो जाएंगे। अब हमने ये 10 मिनट बाद छोले देखे हैं, तो देखो बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं। अब हम इसको मैश कर रहे हैं, सर्विंग स्पून से अच्छे से मैश कर लो। फिर इसको थोड़ी देर अच्छे से 5 मिनट और बस पकने दो, उसके बाद हमारे छोले रेडी। देखिए अब हमारे छोले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल ब्लैक और वाटर एब्जॉर्ब हो गया। अब ये हम रेडी टू सर्व। अरे खाइए छोले, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको छोले कैसे लगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब।